हेलो फ्रेंड, सांची की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शक्कर पारे। इसके लिए मैंने ले लिए हैं कटोरी गेहूं का आटा और ले लिया है मैंने चावल का आटा लगभग आधा कटोरी के बराबर, और मैंने लिए हैं शक्कर लगभग एक कटोरी से थोड़ा कम है। ले लिए मैंने सफ़ेद तिल लगभग 2 चम्मच और छोटी इलायची पाउडर, और मैंने लिए हैं दूध दूध लगभग आधी कटोरी के बराबर है। तो हम शक्कर को दूध में मिला लेते हैं, तो इससे शक्कर दूध में घुल जाएगा, तो इसको आटे में डालकर गूंदने में आसानी होगी और बढ़िया से मिक्स भी हो जाएगा। तो हम शक्कर को दूध में मिला लेंगे, तो इस तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हम डालेंगे कटोरी को बाउल में, तो मैंने चावल का आटा भी इसी में डाल दिया है, और हमने सारी जो भी है तिल और चावल का आटा गेहूं का आटा जो भी इसमें सारा मिक्स कर लेंगे, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसी तरह। मिक्स करके हम इसको दूध से ही गूंदेंगे। अब डालेंगे हम इसमें देसी घी। इसको हमें देसी घी को डाल के बढ़िया से मिक्स करना है, जिससे शक्कर पारे बिल्कुल बढ़िया खस्ता बने। तो इसी तरह हम घी को मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो भी है सामग्री और घी बढ़िया से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हाथ मुट्ठी में बनने लग गया है, तो ये लगभग मिक्स हो गया है। अब इसको हम दूध से गूंदेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, तो हम इसको दूध से ही गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसी तरह मिक्स करके इसे गूंद लेंगे। डो हमें टाइट बनाना है, इसको नरम बिल्कुल नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूंद लिया है, तो इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बढ़िया डो रेडी हो गया है। तो इसको हम थोड़ी छोटी छोटी लोइयां काट कर इसको हम इसी तरह इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करके लोइयों को हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेंगे। तो आप चाहें तो बेल कर भी बना सकते हैं, पर बेल कर थोड़ा फटने का डर है, इसीलिए हम इस तरह से इसे काट कर ही बनाएंगे। काट कर बहुत बढ़िया ही पीस आप देख सकते हैं, बढ़िया पीस कट रहा है, तो आप काट कर बनाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो हम इसको सारा ऐसे छोटे छोटे पीस में इसको काट कर रख लेंगे। तो फ्रेंड, आप भी बनाना इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनते हैं शक्कर पारे। तो मैंने सारे शक्कर पारे को इसी तरह काट कर रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम डालकर इसी तरह फ्राई करेंगे। तो हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, इसको हम लो और मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे फ्राई। तो आप देख सकते हैं मैंने शक्कर पारों को इसी तरह डाल दिया है। डालकर इसे हमें चलाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा फटने लग जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए जब इसे हम चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शक्कर पारा देखने में लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अब इसको हम पलट देते हैं इसी तरह। तो लगभग ये शक्कर पारे ब्राउन हो गए हैं, तो ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, और देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है ये। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।